हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग कंप्यूटर जीके के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखिए, अभी तक हम लोग 3 मॉक टेस्ट अपने ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 4th मॉक टेस्ट। फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि हम टेस्ट या परीक्षा तभी देते हैं जब हमारा बेस मजबूत होता है। बेस मजबूत कहने का मतलब है कि हमें ने डिटेल में कंप्यूटर के सभी चैप्टर पढ़ लिए हों, तभी हम लोग मॉक टेस्ट देने के काबिल होते हैं। मॉक टेस्ट देने से हमें अपनी क्षमता पता चलती है, हमें अपनी औकात पता चलती है कि हम कहाँ पहुँचे। तो याद रखिए, सबसे पहले आप लोग हम लोगों ने जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके चैप्टर ख़त्म किए हैं 15-16, उन्हें जाकर देख लें। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, बेहतर रहेगा आपके लिए। और इतना याद रखिए कि अगर आप वो सभी चैप्टर प्लस ये आप सभी मॉक टेस्ट लगा लेंगे, उसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो वो सभी आपको लेक्चर कहाँ मिल जाएंगे? कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक नेबल में बिट्स होते हैं, एक नेबल में कितने बिट्स होते हैं? तो याद रखना, 4। ए ऑप्शन सही है, एक नेबल में 4 बिट्स होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों डेटा को प्रोसेस कर रहा है होता है, उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, उन्हें स्टोर करने के लिए किन कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है आपका इंटरनल मेमोरी। कौन सा? इंटरनल मेमोरी। बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क आपका डीवीडी है। क्वेश्चन है हमारा 4, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, कौन सी नहीं है पूछ रहा है, सॉरी। सीडी आपकी है, डीवीडी आपकी है, फ्लॉपी डिस्क की भी है, प्रिंटर नहीं है, हार्ड डिस्क है। तो इसमें क्या होगा? डी होगा, क्योंकि प्रिंटर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन है 5, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में होता है, सेकेंडरी। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से आपका सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। बी ऑप्शन 5 में सही है। क्वेश्चन है हमारा 6वां, निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं? निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? सीडी है, फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क भी है, रैम नहीं है आपका, डीवीडी भी है, डीवीडी है। तो इसमें क्या होगा 6वें में? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 7, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 8 की तरफ। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होंगे। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं हो नष्ट नहीं होंगे। इसमें है रोम में, ई पी रोम में उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सी डी आर डब्ल्यू का पूरा रूप है,
तो इसमें होगा आपका 9 कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइट टेबल, 9 में आपका ई होगा, ठीक है, 9 में री ई। क्वेश्चन है हमारा 10, क्वेश्चन है 10, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है, स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, डीवीडीज, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है हमारा 11, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, तो 11 में आपका फॉर्मेटिंग क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा 11 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका डी होगा, ठीक। क्वेश्चन है आपका 13, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं, क्या कहते हैं, एड्रेस। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, वोलेटाइल मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 15, वह तकनीक जो मैन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है, वर्चुअल स्टोरेज। 15 में क्या होगा, बी। क्वेश्चन है हमारा 16, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है, एस रैम। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 17, डी रैम का लाभ है, डी रैम का लाभ है ए, यह एस रैम से सस्ता है, क्या है, यह एस रैम से सस्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा 18, जो डिवाइसेज इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेज। डी ऑप्शन 18 में आपका सही है, क्या है 18 में, डी। क्वेश्चन है 19, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है, एक 1.44 MB। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ई ऑप्शन सही है, ई। क्वेश्चन हमारा 20, निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, रोम को। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 21, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा, बी CDRW। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका बी होगा, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22,
सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है आपका 23। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 24। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? एक्सटर्नल। 24 में क्या होगा? बी। पच्चीस। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोर माना जाता है। नॉन वॉलेटाइल हार्ड डिस्क ड्राइव्स को नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारा 26। वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य? 26। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि 26 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 27। प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? सीपीयू का। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 28। मेमोरी बनती है सेलों की अधिक मात्रा से। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 29। ईपीरोम का क्या उपयोग है? रोम के संदेशों को हटाता है और पुनः नए बनाता है, तो 29 में आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 29 में सी। क्वेश्चन है आपका 30। मेन मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की रफ्तार होती है, कैसी होती है? धीमी। मेन मेमोरी जो आपकी होती है इसकी तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की रफ्तार धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ए ऑप्शन सही है। फिर आता है हमारा 31 क्वेश्चन। हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है, सबसे भीतरी ट्रैक। 31 में आपका सी। क्वेश्चन है 32। कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डेटा करने देते हैं, स्टोर। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 में आपका बी होगा। फिर है हमारा 34। निम्न में से कौन सत्य है? सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, गलत है। फ्लैश में प्रोग्राम स्थाई होते हैं, ये भी गलत है। रोम में प्रोग्राम स्थाई होते हैं, ये आपका सही है। सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, ये भी आपका गलत है। तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन, रोम में प्रोग्राम स्थाई होते हैं। 34 में आपका सी। क्वेश्चन है हमारा 35। स्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्थाई
स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? 35, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका ई ऑप्शन सही है। अब छत्तीस, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है? इसमें होगा हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका बी। 37, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? इसे कहते हैं रैम। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारा 38, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर की दृष्टि से भिन्न होती हैं। उनमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है। 38 में क्या होगा? ए, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर उनमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है की दृष्टि से भिन्न होती है। ठीक, 38 में आपका ए। क्वेश्चन है आपका 39, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? एस रैम। सी ऑप्शन सही है 39 का। 40, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ई ऑप्शन सही है 41 में। 41 में आपका ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 42, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो या स्टोर की जानी चाहिए रैम में? क्वेश्चन नंबर 42 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 43, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है कि वह स्थायी रूप से नहीं है, केवल अस्थायी रूप से है। यानी कि 43 क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 44, में वोलेटाइल चिप होते हैं जो डेटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं रैम में। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? डिस्क ड्राइव। क्या है? डिस्क ड्राइव। सी ऑप्शन सही है। 46 क्वेश्चन हमारा, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? रोम में डेटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। यानी कि बी ऑप्शन सही है 46 में। क्वेश्चन है हमारा अगला 47, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? बेहद स्तर पर डेटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम
एक कम खर्चीला और इन एक्सपेंसिव तरीका है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 48। कौन से मीडिया में डेटा जानकारी उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है? CD-RW डिस्क। 48 में आपका बी ऑप्शन सही है। 48 में क्या है? बी ऑप्शन सही है। चलते हैं हम लोग 49, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्या है 50? निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, ये सभी। तो इसमें क्या होगा? डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका डी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। जब प्रोसेसर और उनका उपयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? मैन मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 51 में आपका ए ऑप्शन सही है। 51 में क्या है? ए, मैन मेमोरी। क्वेश्चन है हमारा 52। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की सूचनाएं कि प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं? रेड लाइट, की लेजर, झरोके से। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 53। जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे हैं वोलेटाइल। सी ऑप्शन 53 में सही है। क्वेश्चन है 54। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे उपयोगकर्ता चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है? केवल रीड। चंगन में क्या है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है 55। CD-RW डिस्क है। CD-RW डिस्क। को इरेज और री राइट किया जा सकता है। CD-RW डिस्क को इरेज और री राइट किया जा सकता है। यानी कि 55 में आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या होगा? डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 56। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? 56 स्टोरेज क्षमता कहते हैं। 56 में आपका डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 57। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। 57 में आपका सी होगा। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में।
57 में आपका सी। क्वेश्चन है 58, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। 58 में आपका टी। क्वेश्चन है हमारा 59, क्या है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक, सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 60, सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टीवी, क्या है टीवी, के बी एम बी फिर जी बी फिर टीवी, तो इसमें क्या होगा डी। 61 में डी। क्वेश्चन है 62, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 1024। 62 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 63, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आप कई परीक्षाओं में, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बी ऑप्शन सही है 63 में। क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे छोटा माप कौन सा है? बाइट। क्वेश्चन नंबर 64 में आपका ई ऑप्शन सही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर संक्षिप्ताकार केबी का सामान्य अर्थ होता है? किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 65 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 66, लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं? गीगाबाइट। गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन 66 में सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? बड़े से छोटे की तरफ, टीबी जीबी एमबी केबी, सबसे बड़ा टीबी फिर जीबी फिर एमबी फिर केबी, छोटा है सबसे छोटा केबी। 67 में आपका डी। क्वेश्चन है 68, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? 1024। 68 में आपका ए ऑप्शन सही हुआ। तो चलिए, ये था आपका टेस्ट नंबर 4। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 5 के बारे में।